यही है ना आपके घर का टा? हाँ, पर ये यहाँ कैसे? ये तो हमारे घर के आंगन में गाड़ा था शाम में। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके घर के आंगन में धरती माँ है और यहाँ भी धरती माँ है। सब एक ही है। आपका टाग धरती माँ ने लिया था और माँ कभी किसी की चीज हथियाती नहीं है। कुछ लेती भी है तो लौटाती जरूर है। खैर जो भी हो, हमारा टाक हमें मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साई। आपको अपने घर का टाक तो मिल गया, लेकिन क्या आप अपने बहू और पोते को दिया हुआ दुख वापस ले सकते हैं? आप चाहे जाने या ना जाने, माने या ना माने, लेकिन ईश्वर कभी किसी मासूम पर अत्याचार होते नहीं देख सकते। आप चाहे कितने भी जतन कर ले, लेकिन ईश्वर किसी भी ऐसे घर में नहीं टिकते जहां बच्चों पर अत्याचार हो। विश्वास ना हो तो अपने टाक को खुद देख लीजिए। ये क्या? इससे तो कुलदेवता की छवि चली गई। बहू घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी माँ को तो सभी कुलदेवी और कुलदेवता आदर पूर्वक नमन करते हैं। और जहां लक्ष्मी माँ का ऐसा तिरस्कार हो, वहां भला कुलदेवता कैसे रहेंगे? बच्चों के दिल में ईश्वर बसता है। अगर उस दिल को तोड़ोगे तो ईश्वर कैसे प्रसन्न होंगे? इससे पहले आपको इसका एहसास नहीं था, विश्वास नहीं था, लेकिन अब सबूत आपके सामने है। आपके हाथ में आते ही टाक से ईश्वर चले गए। अब तो अपनी गलती समझ लीजिए और तुम इसके पति हो, इसका साथ कैसे छोड़ सकते हो? कैसे अनुचित का समर्थन कर सकते हो? साई, माफी चाहूंगा पर इसे मैं अपने घर वापस नहीं ले जाऊंगा। जिस भगवान के सामने तुमने अपनी पत्नी का साथ निभाने की कसमें खाई थी, उसी से नाता तोड़कर तुम उस भगवान को कैसे खुश कर सकते हो? और आप तो मां है ना, क्या आपकी ममता अपनी औलाद तक ही सीमित है? और एक आजी होते हुए आपने अपने पोते को घर से जाने कैसे दिया? अपने भक्ति में इतना अंधा हो गया था मैं, इसका तो अंदाजा ही नहीं था मुझे।
साई, आप भटके हुए को रास्ता दिखाते हैं। आज आपने हमें भटकने से बचा लिया। अब हमें समझ में आ गया बहू कि घर की असली शोभा लक्ष्मी होती है, नियम कायदे नहीं। हमें माफ कर दो। आओ शाम। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो, मेरे लिए यही बहुत है। साई, आपने तो आज हमारी आंखें खोल दी। घर चलो बहू। और शाम तुम आज से खूब खेलना कूदना, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, आज से मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। अब शायद हमारी कुलदेवता भी हमें एक दिन माफ कर दे। ईश्वर बड़ा दयालु है, वो नाराज भी होता है तो हमें कुछ सिखाने के लिए। आप हमेशा से अपने पोते से सख्त रहे हैं, लेकिन बच्चों को प्रेम से भी अनुशासित किया जा सकता है। स्नेह से मिली सीख, आत्मीयता से प्राप्त पाठ बच्चों के साथ जीवन भर रहता है, लेकिन डांट कर, डरा धमका कर हम किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। यही सबक सिखाने के लिए मालिक ने यह सब किया। अब आप सबक सीख गए हैं तो मालिक भी आपसे खुश है। यकीन ना हो तो अपना टाग देख लीजिए। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई, ओ साई, ओ साई। शुक्रिया साई, बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी भला करे। साई, क्या हुआ? सुभान? नहीं बीमा, सुभान नहीं। साई, वो मारुति मंदिर में एक बुजुर्ग बेहोश हो गए। मालसापति काका और मेघा वो तो सागोरी गए। बेचारा मारतंड मंदिर अकेला संभाल रहा है और उसकी उपस्थिति में ऐसी घटना घट गई है। वो बहुत घबरा गया साई। साई, आप जल्दी से चलकर उन्हें देख लीजिए, उनकी मदद कीजिए। चलो। हम
हम भी आपके साथ चलते हैं साईं। हाँ साईं। शुक्र है कि आप आ गए। अच्छे भले ही आए थे मंदिर में, पर अचानक से बेहोश हो गए। मैं मंदिर में अकेला था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, तो आपको बुला लिया। साईं, क्या हुआ है इन्हें? जैसे एक पक्षिणी कोई दूर गगन में उड़ती जाए, दृष्टि सदा अपने नन्हों पर हर क्षण रहती है वो लगाए, वैसे मेरे साई दयागन देखे हमें इस छोर, आएगी फिर बोर हटेगा अंधिया। शिरडी में आन बसे हैं साई, नहीं कोई और, साई नहीं कोई और। ओम साई 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 ओम।
शुक्रिया साईं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राम जी का करिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ख्याल तो रखता हूं साईं, लेकिन अपने वश में कुछ नहीं सिवाय कर्म के। और अब तो उम्र भी आड़े आने लगी है कर्म के। देखिए ना, मन्नत मांगी थी हनुमान जी से, व्यापार में मुनाफा, इसके लिए सूर्यास्त से सूर्योदय तक प्रदक्षिणा करूंगा मारुति की। लेकिन मैं बीच में ही बेहोश हो गया और मेरी मन्नत अधूरी रह गई साईं। लेकिन आपने मुझे भला चंगा कर दिया साईं। अब मैं अपनी मन्नत पूरी कर लूंगा। मेरी मन्नत क्या अधूरी रह जाएगी साईं? अब भी नहीं समझे? भक्ति उतनी ही करनी चाहिए जितनी शक्ति हो। खुद को कष्ट देकर पूजा करने से भगवान खुश कैसे हो सकते हैं? अपनी संतान को कष्ट में देखकर वो परम पिता खुश कैसे होगा? सबसे आसान और सरल तरीका यही है कि अगर कर सको तो किसी और की तकलीफ, किसी और का दर्द दूर कर दे। साई, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि भगवान से किया गया अपना वादा पूरा नहीं कर सका। किसी से वादा कर उसे तोड़ना ठीक नहीं साईं। बाबा, आपका वादा नहीं टूटेगा, मैं पूरा करूंगा। और यकीन मानिए, इसका सारा पुण्य आप ही को मिलेगा। लेकिन साईं, इस तरह पुण्य दिया जा सकता है क्या? बस शरीर मेरा होगा, धारणा भक्ति आपकी होगी। ईश्वर बड़ा दयालु है, वो मात्र भाव देखता है। लेकिन साईं, आप परिक्रमा करके थक जाएंगे। हाँ साईं, इनकी जगह हम प्रदक्षिणा कर देंगे। नहीं केशव, इस पथ पर मुझे ही चलना होगा। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साई ओम।
कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। तुम सब अंदर जाकर बैठ जाओ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.